हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है इसे डिटेल में सॉल्व करना सीखेंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने पहले की वीडियोस बनाए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, या जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, तो उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे कहा क्या जा रहा है। तो इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन सच दैट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि एक बड़ा सा लाइन है, उसमें ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बनाया था ना एक लाइन, एक बड़ा सा ए बी, तो उसमें सी जो था बीच में आया था। तो उसी तरीके से एक लाइन है, उसमें ए बी सी 3 जगह पॉइंट है। यहाँ पर हमको बताया नहीं गया कौन सा बीच में, कौन सा कहाँ पर है। तो अब देखो, उनका मेजरमेंट हमको दे दिया गया है। अब क्या बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ दैम लाइज बिटवीन द अदर्स टू, सॉरी हाँ अदर टू, यानी कि कौन सा जो पॉइंट है ना, ए है या बी या सी, यानी इन तीनों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो दो जो बज गया है ना उन दोनों के बीच में आने वाला है। तो एकदम सिंपल सा है, आप इसको अपने माइंड में भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको डिटेल में आइए कॉपी में से समझा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर हमें ए बी 5 सेंटीमीटर दिया है, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी 8 सेंटीमीटर है। तो अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि 5 और 3 को हम प्लस करते हैं तो 8 आता है। तो हमको यहाँ पर देखने से क्या समझ में आ गया कि जब हम लोग ए बी और बी सी को ऐड करेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, ए सी मिल जाएगा। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि वी ऑब्जर्व दैट, हमने ये यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि अगर हम ए सी निकालना चाहें तो हम ए बी और बी सी को प्लस करेंगे, तो हमारा इक्वल जो आंसर आएगा वो ए सी आ जाएगा, क्योंकि ए बी 5 है और बी सी 3 है, तो 5 और 3 8 होगा, जो कि इक्वल होगा ए सी के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा पॉइंट बी है ना, वो बीचों बीच में है। तो आप बोलोगे सर कैसे बीचों बीच में है, तो देखो यहाँ पर आप एक दिमाग में लाइन बना लो, ये हमारा मान लो 8 सेंटीमीटर का लाइन है। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया टोटल 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इसको बीच से मैं थोड़ा सा कट करता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक मान लो ये 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो अब देखो 5 सेंटीमीटर कौन था, ए बी जो था 5 सेंटीमीटर था ना, तो यहाँ पर आप इसको बना लो ए बी। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा बी सी जो था वो 3 सेंटीमीटर था, यानी बी से लेकर के अब इधर वाले पॉइंट को मान लो आप सी, तो बी सी जो हो गया वो कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। और जो ए सी है वो टोटल कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ ए सी हमारा ये बड़ा वाला साइड देखो, यहाँ ए से लेकर सी तक इसी को ए सी बोलेंगे, तो वो कितना हो गया टोटल, वो हो गया 8 सेंटीमीटर। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि जो बीच है ना, ये जो हमारा बीचों बीच में कौन सा आ रहा है, ये हमारा बी आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सो है ना, बी इज लेइंग बिटवीन ए एंड सी, यानी कि जो हमारा बी है वो ए और सी के बीच में आ रहा है। बस यही आपको बताना है, बाकी डायग्राम में आपको बनाने की जरूरत है, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बता दिया। तो जब कभी भी हम दोनों पॉइंट्स को ऐड करें, ठीक है, और थर्ड वाला जो हमारा जो आंसर यानी कि जो सम निकले वो क्या हो, बड़े वाले लाइन के बराबर हो, तो समझ जाना कि जो छोटे पॉइंट्स हैं ना उनका जो अगला पॉइंट है, अगला जो हमारा पॉइंट जैसे कि यहाँ पर जो बी है वही क्या होगा, बीच में आएगा। बाकी अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आए तो आप जल्दी से एक डायग्राम भी बना करके अपने रफ कॉपी में साइड में डायग्राम बनाना, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगी इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, वहाँ पर मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में उस क्वेश्चन को भी समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।